Good morning, students. How are you? Myself, Dr. Meenu Verma, Assistant Professor in the Department of B.Ed, the Graduate School College for Women, Jamshedpur, a constituent unit of Kolhan University, Chaivasa. आज की कक्षा में हम माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के विभिन्न कौशलों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सूक्ष्म अध्यापन वास्तव में शिक्षक प्रशिक्षण को व्यवस्थित एवं क्रमिक बनाने की एक पद्धति है। इस पद्धति या इस अप्रोच में छात्र अध्यापिका अथवा अध्यापिका अध्यापन अभ्यास के समय विशिष्ट अध्यापन कौशल में प्रशिक्षण प्राप्त करती हैं। शिक्षण कौशल से तात्पर्य वैसे कौशलों से है जो हमारे शिक्षण को प्रभावी बनाता है। कौशल का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के काम में विशिष्ट प्रकार की दक्षता हासिल करना। यहाँ पे आज हम पढ़ेंगे शिक्षण कौशलों के बारे में। शिक्षण कौशल अर्थात टीचिंग स्किल्स, ये वो स्किल्स होते हैं जिसमें अगर एक शिक्षक या शिक्षिका पारंगत हो जाए तो उसका शिक्षण बहुत ही प्रभावी हो जाता है। आइए अब हम इन टीचिंग स्किल्स को और अच्छी तरह समझते हैं। सन 1975 ईस्वी में डॉक्टर बी के पासी ने कुछ शिक्षण कौशलों की सूची प्रदान की थी। उन्होंने कुल 14 प्रकार के शिक्षण कौशलों के बारे में बताया था। आइए हम उन कौशलों को समझने का प्रयास करते हैं जिससे कि हमारे शिक्षण कौशल विकसित हो सके और हम एक प्रभावी शिक्षक बन सकेंगे। अगर कोई शिक्षक इन कौशलों में महारत हासिल कर लेता है, अर्थात इन कौशलों को अच्छे प्रकार से कक्षा में प्रयोग कर पाता है, तो वह बहुत ही अच्छा शिक्षण प्रस्तुत कर सकता है। राइटिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स अर्थात अनुदेशनात्मक उद्देश्यों को लिखना, अर्थात ये एक तरह का स्किल होता है जिसके अंतर्गत शिक्षक या शिक्षिका पढ़ाने का आपके टीचिंग का जो उद्देश्य है उसको सही तरीके से लिख पाने में सक्षम होते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द लेसन और सेट इंडक्शन अर्थात पाठ का प्रस्तुतिकरण, फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग प्रश्नोत्तर प्रवाहशीलता। एक शिक्षक में यह गुण होना चाहिए कि उनके द्वारा किए गए प्रश्नों में एक प्रवाहशीलता हो। प्रश्न ऐसा हो जो पूर्व का प्रश्न आगे पूछे गए प्रश्नों से बहुत ही अच्छी तरह कनेक्टेड हो, संबंधित हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चंस अर्थात खोजपूर्ण प्रश्न, एक्सप्लेनिंग व्याख्या करना। हालांकि व्याख्यान विधि को बहुत ही बोरिंग टीचिंग मेथड माना जाता है। मेथड और स्किल दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, इसके बारे में हम बाद में विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी हम स्किल को समझने का प्रयास कर रहे हैं।
लेक्चर मेथड बोरिंग होने के बावजूद अगर एक टीचर उसमें दक्षता हासिल कर लेता है, लेक्चर देने में, व्याख्यान करने में अगर एक टीचर दक्षता हासिल कर लेता है तो उसका व्याख्यान बहुत ही इम्प्रेसिव होगा और बच्चे बहुत अच्छी तरह सीख पाएंगे। तो ये कौशल भी एक टीचर को एक्वायर्ड करना चाहिए, अडॉप्ट करना चाहिए। इलस्ट्रेटिंग स्किल्स अर्थात उदाहरणों द्वारा दृष्टांत देना। स्टिमुलस वेरिएशन अर्थात उद्दीपन परिवर्तन। पढ़ाने के दौरान कुछ शिक्षक इतने पारंगत होते हैं इस स्किल में कि वो बच्चों को एक स्टिमुलस देते हैं अर्थात उद्दीपन प्रदान करते हैं, अर्थात वो मोटिवेट करते हैं पढ़ने के लिए या जो पढ़ा रहे हैं वो उसको समझने के लिए। साइलेंट एंड नॉन वर्बल क्यूज अर्थात मौन अशाब्दिक संकेत। ये एक ऐसा स्किल है जिसके अंतर्गत शिक्षक बिना शब्दों के प्रयोग किए बच्चों को प्रभावित करने में सफल साबित होता है। इस स्किल के बारे में भी हम बाद में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। रीइन्फोर्समेंट स्किल अर्थात पुनर्बलन में दक्षता। पुनर्बलन का मतलब कि बच्चों को एक तरह से मोटिवेट करना पढ़ने के लिए, एक फोर्स प्रदान करना, री इन्फोर्समेंट। पढ़ने के लिए तो वो कक्षा में तैयार बैठा ही है, री इन्फोर्स करना उसको, फिर से और मोटिवेट करते रहना बीच बीच में। इंक्रीजिंग स्टूडेंट्स पार्टिसिपेशन अर्थात छात्र संभागिता संवर्धन। यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, सांपट प्रयोग कौशल। इस कौशल के अंतर्गत शिक्षक सांपट के प्रयोग पे इतनी दक्षता हासिल कर लेता है कि सांपट पर सारे लिखे गए अक्षर सारे बच्चों को स्पष्ट दिखाई देते हैं और वो देखने में बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। लेसन क्लोजर अर्थात पाठ का समापन। पढ़ाने के साथ साथ पाठ का समापन में भी दक्षता हासिल करना एक शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है। अटेंडिंग बिहेवियर ऑफ द पीपल्स अर्थात छात्र व्यवहार आग्रहण। एक शिक्षक या शिक्षिका में ये दक्षता होनी चाहिए कि वो बच्चों के व्यवहार को अटेंड करे, समझे कौन बच्चा कैसा व्यवहार कर रहा है और वो वैसा व्यवहार क्यों कर रहा है। इस बात की समझ एक टीचर में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर पढ़ाने में ही व्यस्त है और उसे किसी बच्चे के किसी व्यवहार पे कोई भी ध्यान नहीं है। ये 13 प्रकार के शिक्षण कौशल के बारे में डॉक्टर बीके पासी ने सन 1975 ईस्वी में बताया था। कुछ अलग और इससे मिलते जुलते ही शिक्षण कौशल के बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी बताया है। उन्होंने 14 शिक्षण स्किल के बारे में बताया है जो इस प्रकार हैं। स्टिमुलस वेरिएशन उद्दीपन परिवर्तन। क्लोजर अर्थात समापन। साइलेंट एंड नॉन वर्बल क्यूज मौन अशाब्दिक संकेत। रीइन्फोर्सिंग पीपुल्स पार्टिसिपेशन छात्र संभागिता संवर्धन। सेट इंडक्शन पाठ प्रस्तुतिकरण। फ्लुएंसी इन क्वेश्चनिंग प्रश्नोत्तर प्रभावशीलता। प्रॉब्लम सॉरी प्रोबिंग क्वेश्चंस खोजपूर्ण प्रश्न। हायर ऑर्डर क्वेश्चंस उच्च स्तरीय प्रश्नों का प्रयोग। डाइवर्जेंट क्वेश्चंस वीक केंद्रीय प्रश्न। इलस्ट्रेटिंग एंड यूज ऑफ एग्जाम्पल्स उदाहरणों द्वारा दृष्टांत देना।
लेक्चरिंग अर्थात व्याख्यान देना, प्लैंड रिपीटेशन अर्थात नियोजित पुनरावृत्ति, कंप्लीटनेस ऑफ कम्युनिकेशन अर्थात संप्रेषण संपन्नता, रिकॉग्नाइजिंग अटेंडिंग बिहेवियर अर्थात अवधनात्मक व्यवहार का अभिज्ञान। इन 14 प्रकार के शिक्षण कौशलों की जानकारी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने दी थी। कोई भी शिक्षक या शिक्षिका इन सभी प्रकार के कौशलों में दक्षता हासिल करने के बाद एक सफल शिक्षक बन सकता है। इन सभी कौशलों को हम आगे की कक्षाओं में विस्तार पूर्वक जानने का प्रयत्न करेंगे। आशा है यह लेक्चर और यह वीडियो आपको माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण के कौशलों को समझने में कारगर साबित हुआ होगा। धन्यवाद।